तो दोस्तों सबसे पहले इसकी रेटिंग को आप देखिएगा, 4.6 की इसकी रेटिंग है, ठीक है। और रिव्यूज को देखिएगा दोस्तों, सभी रिव्यूज इसको 5 स्टार की जो है रेटिंग देके रखे हुए हैं। आप यहाँ पर देखो 5 स्टार की रेटिंग, कमाल है भाई। इसको देखकर को तो आपको ये लग रहा होगा कि वास्तविक ये कंपनी रियल है, ठीक है। और इन्हीं सब के चक्कर में हम लोग बेवकूफ़ बन जाते हैं, ठीक है। आज मैं आपको बताऊंगा कि ये कंपनी आपको कितना लोन देती है और कितने परसेंट ये कंपनी सही है, क्या ये कंपनी सही है या फिर पूरी तरह से फेक है, सब कुछ बताऊंगा मैं अपने इस वीडियो के अंदर, ठीक है। तो भाई चलिए शुरू करते हैं। तो दोस्तों सबसे पहले हम इसके अबाउट सेक्शन में जा कर के देखते हैं कि कितना लोन ये प्रोवाइड करने का दावा करती है, और मैं आपके सामने इसमें लोन लेकर भी दिखाऊंगा, ठीक है। अच्छा, तो यहाँ पर कंपनी बोल रही है कि एग्जांपल के तौर पर, यहाँ पर एग्जांपल पहले से ही आ गया, लोन लिया नहीं, लोन के बारे में डिटेल दिया नहीं, एग्जांपल फर्स्ट टाइम पे ही रख दिया, एग्जांपल देख लो, ठीक है, एग्जांपल देख लो। और यहाँ पर बस कुछ नहीं ज़्यादा लिखा है, छोटा मोटा यहाँ पर लिखा हुआ है, एनुअल चार्ज यहाँ पर लिखा है 30.42%, मतलब यहाँ पर आपको 1000 रुपये पे, एनुअल का मतलब होता है दोस्तों 1000 रुपये पे आपको यहाँ पर 30.42 रुपया इंटरेस्ट लगेगा 1 महीने का, समझ गए। और आपको यहाँ पर मैक्सिमम टेनवर मिलेगा 3 महीने का, और मैक्सिमम रीपेमेंट टेनवर 12 महीने का, मतलब यहाँ पर 3 से 12 महीने तक का आपको टेनवर मिल सकता है। और यहाँ पर देखो लिखा है RBI सर्टिफाइड NBFC, ठीक है, PU फाइनेंस इंडिया प्राइवेट लिमिटेड, फ्रेंड PU फाइनेंस इंडिया प्राइवेट लिमिटेड, PU का नाम आपने सुना ही होगा, PU बहुत बड़ी कंपनी है मेरे भाई, और PU एक मर्चेंट अकाउंट है, वहाँ पर हम मर्चेंट अकाउंट भी यूज कर सकते हैं, मैं खुद यूज करता हूँ PU अकाउंट को, ठीक है। PU फाइनेंस इंडिया प्राइवेट लिमिटेड का यहाँ पर नाम डरा हुआ है, और ये लॉन्च हुआ है दोस्तों 1 जून 2022 को, देखो ये एप्लीकेशन 1 जून 2022 को लॉन्च हुआ है, ठीक है, और 10,000 लोगों ने इंस्टॉल किया हुआ है, 4.6 की इसकी रेटिंग है, और 5 स्टार सभी ने इसको दिया हुआ है, ठीक है। अब इसकी असलियत क्या है दोस्तों देख लेते हैं। तो यहाँ पर दोस्तों कंपनी का नाम है ब्रांच लोन पर्सनल लोन एप्लीकेशन, ठीक है, ब्रांच एक दूसरी भी है दोस्तों जो कि RBI से रजिस्टर्ड है, NBFC से पार्टनर है, ठीक है, लेकिन यहाँ पर ये ब्रांच लिखा हुआ, ब्रांच पर्सनल लोन, ठीक है। अबाउट सेक्शन में देखते हैं तो यहाँ पर दोस्तों कुछ और लिखा है। अभी यहाँ पर क्या करेंगे दोस्तों, ओपन पर क्लिक करेंगे, जैसे हम ओपन पर क्लिक करेंगे मोबाइल नंबर आएगा, मोबाइल नंबर डालने के बाद OTP आएगा, OTP डाले हुए जैसे आपके सामने ये वाला पेज ओपन हो जाएगा। अब देखो भाई यहाँ पर क्या लिखा है, 6,000 का लोन मिलेगा 2 महीने के लिए, 20,000 का लोन मिलेगा 6 महीने के लिए, 50,000 का लोन मिलेगा 12 महीने के लिए, 1,00,000 का लोन मिलेगा 12 महीने के लिए, ठीक है। अप्लाई फॉर KYC पर क्लिक करेंगे तो सबसे पहले आपको फर्स्ट नेम, मिडल नेम, लास्ट नेम, डेट ऑफ बर्थ, ईमेल ID, जेंडर, क्वालिफिकेशन। यहाँ पर मैं आपको एक बात और बता दूँ, कंपनी अबाउट सेक्शन में कुछ भी लिख कर रखे, हमको उस पर बिल्कुल भी विश्वास नहीं करना है, विश्वास सिर्फ आपको अपने आप पे करना है, अपने हुनर पे करना है, ठीक है। तो ये कंपनी बता रही है कि RBI रजिस्टर्ड है, NBFC पार्टनर है, लेकिन देखेंगे कितना सत्य है कितना झूठ है, ठीक है फ्रेंड। चलिए सब कुछ मैं डिटेल भर लेता हूँ, तो देखना दोस्त इसकी सच्चाई यहाँ पर पता चल जाएगी। देखो मैंने यहाँ पर नाम डाला और मेरी जन्म तिथि कितनी है, आप यहाँ पर देख लो 10/9/2022, मतलब इसी दिन जन्म हुआ मेरा। और जहाँ पर जीमेल ID डाल दी, मेल और सर एम्प्लॉयमेंट, ठीक है, पिन कोड देखो बिल्कुल गलत है, इनकम देखो गलत है, मोबाइल नंबर पे गौर करो दोस्तों, नाम पे तो गौर करो, मोबाइल नंबर गौर करो, सब गलत है, टोटली मैंने यहाँ पर गलत इन्फॉर्मेशन मेंशन की है, प्रोसेस कर दिया। वाह यार, फुल नेम, बैंक अकाउंट और कन्फर्म बैंक अकाउंट, बैंक नेम, IFC कोड, या यहाँ पर आपको समझ में आया कुछ, आया कुछ? अगर ये कंपनी RBI से रजिस्टर्ड होती या फिर रियल होता ये एप्लीकेशन, तो पहले स्टेप पर जो मैंने जानकारी फिलअप की है ना, यहीं पर वो मेंशन कर जाता कि आपने ये गलत डाला है। यार एक बात बताइएगा, आज का जन्मा हुआ बंदा लोन जो है वो अप्लाई कर सकता है? तो बस अब ज़्यादा कुछ कहने की मुझे ज़रूरत नहीं है, आप यहाँ से समझ जाइएगा और बच के रहिएगा, ठीक है ना।
तो दोस्तों वीडियो में बस इतना ही। वीडियो आपको कैसा लगा मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक जरूर करें, चैनल पर नए चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।